भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे स्कंदे का अध्याय 13 श्लोक संख्या 19। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् करिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, ऐसी कोई बेहतर शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजों को रोक सके। प्रतिक्रिया न यस्य इह कुतश्चित् करिचित् प्रभो, ये पहली लाइन कई ट्रांसलेट प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों ना होता हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता। ये जो वर्ड है प्रतिक्रिया मतलब होता है क्रिया मतलब क्या है, करना है ना, एक्शन। प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन। प्रतिक्रिया न यस्य इह मतलब, जब भी संस्कृत में इह वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है ये भौतिक संसार, और स्पिरिचुअल वर्ड के लिए क्या करते हैं वर्ड यूज, हाँ नहीं, इह के साथ इह, और जैसे भगवद गीता में आता है इह लोके, इह संसारे बहुदस्तारे, शंकराचार्य लिख रहे हैं, कृपया पाहे पाही मुरारे। इस संसार के लिए है, उस संसार के लिए परे कहते हैं, परा कहते हैं, क्लियर है। लोग कह रहे हैं जो इस संसार में, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इस संसार के जीवात्मा जैसे हम लोग हैं, बद्ध जीव जिनका शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, इस शरीरों में हम लॉक्ड हैं, बिना चेन और बिना लॉक के भी हम बंद हैं, इसके अंदर हम नहीं छोड़ सकते। इस संसार में कोई भी यस्य कुतश्चित् करिचित् प्रभु, कुतश्चित् मतलब होता है किसी भी प्रकार से, करिचित् मतलब होता है कहीं भी किसी के भी द्वारा। कुतश्चित् मतलब किसी के हेल्प के द्वारा, किसी पर्सन के हेल्प के द्वारा, करिचित् मतलब किसी भी स्थिति में। कोई भी संसार में किसी पर्सन की हेल्प से या अपनी शक्ति से पर्टिकुलर टाइम पे प्रतिक्रिया न यस्य यह कालः, काल अगर कुछ करेगा, डेस्टिनी कुछ करती है, तो उसका वो सॉल्यूशन, उसका रिएक्शन नहीं कर सकता। प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, अगर आप रोकने की कोशिश करोगे काल को, रुक नहीं सकता, दैट्स द होल पॉइंट देयर। तभी श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजों को रोक सके, कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिक्स्ड है, टाइम के हिसाब से आपके लाइफ में जो होगा वो होगा, को दुनिया की कोई ताकत नहीं डाल सकती, मतलब आपकी ज्योतिष नहीं डाल सकती है, चिंगम प्रभु बता रहे थे, नहीं डाल सकती ना, नहीं हो सकता वो कुछ नहीं। इंटेंसिटी शायद कम कर सकते हैं ये लोग कहते हैं, बट टल नहीं सकता वो, हो सकता है कि वो इवन टल भी जाए, हो सकता है आप चिंगम के पास जाओ, इनसे कोई नीलम पहन लो, नीलम सबसे पावरफुल माना जाता है ना, नीलम पहन लो, फिर आप कहो यार हमारा तो टल गया, ये तो गलत लिखा है, एक्चुअली टला नहीं, अगर आपको एक्सीडेंट होना था तो एक्सीडेंट शायद ना हो, मगर एक्सीडेंट का दुख जो मिलना है वो किसी और रूप में आ जाएगा आपकी लाइफ में, दुख सुख नहीं डल सकता आपकी लाइफ में। जितना दुख आपको एक्सीडेंट में होना है उतना ही दुख किसी और रूप में आ जाएगा, आप रोक नहीं सकते उसको। इवेंट्स को शायद आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, मगर दुख सुख को कोई नहीं रोक सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए शास्त्रों में कहा जा, ये तभी कह रहे हैं कि काल के प्रभाव को आप प्रतिक्रिया, यू कैन स्टॉप इट। अगर आप फिजिकल दुख रोक दोगे मेंटल दुख आ जाएगा, मेंटल दुख रोक दोगे किसी और फॉर्म में आ जाएगा, नहीं आपका पैर टूटना है, आपने नीलम पहन लिया, पैर नहीं टूटेगा आपका, वाह बड़ा अच्छा है, मगर एग्जाम में फेल हो जाओगे कुछ हो जाएगा।
सो दैट्स द होल पॉइंट. प्रतिक्रिया नस्य कुतश्चित करिचित प्रभु. और वैसे भी सुखदेव गोस्वामी कहें प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन होता है. प्रतिक्रिया मतलब पता क्या होता है कि आप कुछ चीज आ रही है, आप अपने फोर्स से उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो. एक हमारे एक मुझे याद है 20 साल पहले एक डिवोटी थे, डिवोटी नहीं मतलब आधा पौना कांग्रेगेशन मेंबर था, पटपड़गंज में हम थे. तो मेरे पास आया, मेरे से कहते मैं बहुत दुखी. मैंने क्या हो गया, कहते बिजनेस में बहुत लॉस हो गया. सो उसने कहा कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा हूँ. तो वो गया तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा देख तू ऐसा कर, तू अगर तू लोहे का बिजनेस कर ले, ऐसा एडवाइजेस करते हैं ना कुछ, और कोई बिजनेस मत करियो, लोहे का बिजनेस कर तो उसमें तुझे सक्सेस मिल जाएगी. तो उसने कहा ठीक है. तो उसने लोहे का बिजनेस शुरू किया, मगर ऐसे सिचुएशंस बनी कि उसको लोहे का बिजनेस बंद करना ही पड़ा. वो कर ही नहीं पाया, शुरू कर ही नहीं पाया. उसकी किस्मत में लिखना था कि दुख आएगा. वो जितना सॉल्यूशंस करता गया उतना ही वो फंसता गया. फिर एक साल बाद आया, कहता है मैं बड़ा दुखी हूँ, मैंने ये सब किया ये सब किया, मगर मैं कर ही नहीं पा रहा, कर ही नहीं पा रहा, फंसता ही जा रहा हूँ, फंसता ही जा रहा हूँ, फंसता ही जा रहा हूँ. तब मैंने उसको सॉल्यूशन दिया कि देख कभी कभी जो चीज़ इंसान के हाथ में नहीं होती ना, वो भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए. दैट्स ऑल. पर उसके बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. बट विदुर जी धृतराष्ट्र को ये कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र तुमने कितनी कोशिश की काल के प्रभाव को रोकने की. काल डेस्टिनी, भगवान काल मतलब भगवान ही हो गए, यहाँ पे यही कह रहे हैं. स एष भगवान काल, भगवान ही काल के रूप में विद्यमान है ना. कालो अस्मि भरत ऋषभ, सुने भगवान गीता में कह रहे हैं मैं काल के रूप में हूँ. जैसे भगवान को नहीं रोक सकते, ऐसे टाइम को नहीं रोक सकते आप. टाइम तो चलते ही रहेगा, ना कोई साइंस रोक सकती है, ना कोई फिलोसोफर रोक सकता है. आज तो कोई रोक ही नहीं, आज तो कोई समझ ही नहीं पाया टाइम क्या है. साइंस में अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछो टाइम, साइंटिस्ट से पूछो हाइड्रोजन एटम क्या है बता देंगे, साइंटिस्ट से पूछो पानी क्या है H2O बता देंगे नहीं, साइंटिस्ट से पूछो टाइम क्या है पता नहीं. मगर टाइम के बिना फिजिक्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि टाइम इक्वेशंस में TT पढ़ा था, इक्वेशंस में ग्राफ में एक्सिस नहीं होती T, उसके बिना हो ही नहीं सकता कुछ. dx/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, सुन याद है कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो भी है. सो टाइम के बिना तो साइंस हो ही नहीं सकती, मगर फिर उनको पता ही नहीं टाइम के, बड़ी विडंबना है. क्योंकि टाइम भगवान है, भगवान काल है. जैसे भगवान को नहीं समझ सकते, ऐसे काल को कोई नहीं समझ सकता. इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि फालतू में संसार में जो भी हो रहा है उसको सॉल्व करने का ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, उसको सहन कर लो. ताम से तिक्षस्व भारत, सहन करने में ज़्यादा बुद्धिमानी है. अब सॉल्व करोगे मोस्ट प्रॉब्ली सॉल्व होंगे नहीं सिचुएशन, सॉल्व हो भी गई तो कोई और उस वही प्रॉब्लम किसी और उसमें रूप में आ जाएगी, आप उसको नहीं कर पाओगे. टाइम टाइम के साथ आप सहन कर लोगे, टाइम के अपने आप चला जाएगा. होता है नहीं, होता है लाइफ में, जिन्होंने लाइफ जिया काफ़ी बार ऐसे ही होता है. इसलिए एक बहुत बड़े चाइनीज फिलोसफर थे लाओजू, और चाहे उनका एक कंटेम्प्रेरी फिलोसफर थे कन्फ्यूशियस. दो फिलोसफर्स थे चाइना में, एक का नाम क्या था कन्फ्यूशियस, सुना है ना कन्फ्यूशियस, हिंदी में कैसे कहते हैं कन्फ्यूशियस, कुछ है यही कहते हैं, और दूसरा था लाओजू. दोनों की फिलॉसफी उल्टी. कन्फ्यूशियस ने कहा कुछ प्रॉब्लम है तो उसको फेस करो, सॉल्व करो, चुप मत बैठो. लाओजू ने कहा भाई चुपचाप बैठ जाओ, अपने आप जो आया है वो अपने आप चला जाएगा. प्रहलाद महाराज भी सेम लाइन पे लाओजू के. इसका मतलब नहीं है कन्फ्यूशियस गलत है, वो एक अलग पॉइंट है. इसका मतलब नहीं कि हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बारिश आई है टपक रहा है, बैठ जाओ आराम से टपकने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो एक बेवकूफ़ी नहीं है, बट आइडिया ये है कि आपने प्रॉब्लम आई, आपने दिमाग लगाया, सॉल्व की, सॉल्व नहीं हुई. फिर आपने सॉल्व की, सॉल्व नहीं हुई. फिर आपने सॉल्व की, सॉल्व नहीं हुई. तीन बार किया, उसके बाद आराम से चुप बैठ. तीन बार ही कहते हैं ना तलाक तलाक तलाक, सब तीन बार ही होता है. तीन में कुछ चक्कर है नहीं. उसके बाद आराम से चुप बैठ जाओ. भगवान काल के रूप में भगवान नहीं चाहते कि ये सॉल्व हो. आराम से बैठ के
भजन करो, सहन कर लो, अपने आप जो आया अपने आप चीज़ें चली जाएंगी, ज़्यादा लड़ो झगड़ो मत। इसलिए शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों ना हो होता हो, तब भी उसे मरना, तब भी कोई मरना नहीं चाहता। मरना तो निश्चित है, मरना कोई नहीं चाहता। साइंटिस्ट भी, एक अभी जो रिसेंट डिस्कवरी है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी एक बहुत बड़ा मिलियनर था, उसने बहुत बिलियंस ऑफ रुपीज़ दिए साइंटिस्ट को, मतलब आज से 10 साल पहले की न्यूज़ थी, कि मेरा शरीर प्रिजर्व कर लो, प्रिजर्व समझते हो ना। तो इन्होंने क्या किया है, तो अभी जो तो क्वांटम फिजिक्स आ रही है, तो इन्होंने एक चैम्बर्स बनाए हैं लिक्विड नाइट्रोजन के, तो जो अमीर लोग हैं वो उनको बिलियंस ऑफ रुपीज़ दे रहे हैं, कह रहे हैं मारने के बाद हमारा शरीर उस चैम्बर में रख देना, और फिर जब आपकी साइंस एडवांस हो जाएगी, तो साइंस कह रहे हैं हम जब एडवांस हो जाएंगे तो हम जब जीते हुए आपका सारा ब्रेन का इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, जब एडवांस हो जाएगी तो शरीर को ज़िंदा करके दोबारा से इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, तो आप दोबारा ज़िंदा हो जाओ। ऐसे ऐसे ऊटपट लोग पैसे दे रहे हैं इसके लिए। अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ है कि वो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम चांद पे आपका घर बना देंगे, तो अभी से बुकिंग कर लो। तो बड़े सारे हॉलीवुड में जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उन्होंने बुकिंग कर लिया, हमारा बुक कर दो चांद पे घर, मतलब वो यहाँ पे कपूरथला में आप बुक करते प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, चांद के भी प्रॉपर्टी डीलर्स बन गए वहाँ के साइंटिस्ट। बट पॉइंट ये कि चांद पे जाके भी मरोगे नहीं क्या, मरना तो वहाँ भी है, मरना तो यहाँ भी है। वो सोच रहे हैं वहाँ पे जाके हम बच जाएंगे, ये हो जाएगा, पॉल्यूशन है वहाँ। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये नॉनसेंस है, टाइम वेस्ट है। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय, ये आ गया ना विज्ञान में, कोई में भी ना तो बुढ़ापे का कोई उपचार है ना मृत्यु का, देख रहे हो हम ना ओल्ड एज आप खत्म कर सकते हो ना बुढ़ापा। ओल्ड एज में रिंकल्स खत्म कर सकते हो आप, रिंकल्स पता है ना माता जी इसको आपको, उनको पता होगा, रिंकल्स खत्म कर सकते हो, वो कुछ लगा क्या क्या था वो क्या कह रहे हैं, फेयर एंड लवली बैन हो गई है क्योंकि उसमें फेयर एंड लवली में बहुत बड़ा इशू उठ गया, क्या उठ गया, एंटी क्या है, नहीं नहीं वो बैन अब मिलती है अभी आजकल, नाम चेंज हो गया। हाँ क्यों हो गया पता है क्यों हो गया, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठ गई, तो काले लोगों ने कहा कि हम सुंदर नहीं है, आप तो रेशलिस्ट हो, रेशलिज्म आ गया, फेयर एंड लवली मतलब गोरे ज़्यादा बेटर है काले गलत है। बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, कोर्ट में केस चला गया, तो कालों ने केस कर दिया, काले कहना गलत नहीं है, गोरे काले, उन्होंने कहा सभी से इक्वल है, इक्वल नहीं इक्वल कहते हैं आप नीचे रख रहे हो, तो फिर उनको चेंज करना पड़ा, ग्लो एंड लवली कर दिया। सो ग्लो एंड लवली मतलब आप चाहे काले हो उसको भी ग्लो बना देगा, चाहे सफ़ेद हो उसको भी ग्लो बना देगा। सो काले हैं तो क्या हुआ, वो बात थी, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया उसमें। सो आप कह नहीं सकते अमेरिका में काले और गोरे, सब नहीं कर सकते आप, आपको जेल हो जाएगी, जेल हो जाएगी। इंडिया में भी अब नहीं कर सकते, इंडिया में भी ऐसे हो गया नहीं, वो अब जेल कर देगा वो। सो बट बुढ़ापे और मृत्यु का कोई उपचार कुछ नहीं है, कौन बुढ़ापा रोक पाया, कोई नहीं, रिंकल हटा सकते, बुढ़ापा उन्होंने रोक लोगे आप। एक औरत है 80 ईयर्स ओल्ड की, तो वो जो है मतलब वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है, वो जिमनास्टिक्स करती है 20 साल की लड़कियों के साथ, इतनी एक्टिव है वो, लगती मतलब वो 80 ईयर्स की है, 20 साल की, इतनी फ्लेक्सिबल एक्टिव, तो उससे पूछा क्या करती है वो, जो भी है डाइट वाइट जो भी करती है वो, मगर करती सब कुछ, मगर आप देखोगे ना साथ में खड़े होकर पता लग जाएगा कि ये ओल्ड है, वो चाहे कितना ही कर लो पता लग जाएगा ये ओल्ड है, और वो यंग है, वो छुपा नहीं सकता कोई भी। सो बुढ़ापे और मृत्यु का कोई उपचार नहीं है, बूढ़ा आपको होना ही पड़ेगा, मृत्यु आएगी आएगी, कोई नहीं रोक सकता। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है, और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। प्रतिक्रिया न इससे यह कुतश्चित करिचित प्रभो, कोई भी ये प्रभुपाद कह रहे हैं प्रकृति के नियमों को कोई भी नहीं प्रतिक्रिया रिएक्शन करके जुगाड़ करके कोई चेंज नहीं कर सकता। यह सब धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है, विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि भी अब तुम बूढ़े हो गए, यही कह रहे हैं ना,
बूढ़े हो गए, बूढ़ा होना मतलब मतलब मृत्यु आने वाली है। जैसे अगर गोपियां आए तो कौन आने वाला है? श्रीमती राधा रानी नेचुरली उनके पीछे। या जैसे गाय आए तो कौन आने वाला है? कृष्ण, उनके पीछे कृष्ण होते हैं। ऐसे बुढ़ापा आ रहा है तो भगवान साइन दे रहे हैं कि भाई अब तुम मरने वाले हो, इसलिए बुढ़ापे में संन्यास या वानप्रस्थ की व्यवस्था है, तभी है। भैया आपके बच्चे हो गए, सेटल हो गए, अब 50-60 साल से ऊपर हो गए तो छोड़ो घर। वही धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, अब छोड़ो भाई, अब छोड़ो, अपनी लाइफ परफेक्ट करो, अब मृत्यु आने वाली। एटलीस्ट अच्छा है बुढ़ापा आता है, नहीं बुढ़ापा आना अच्छा है बुरा है? अच्छा है बुरा है? कहेगा बुरा है यार, क्या हो रहा है? एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि अगर अचानक से मर जाओ तो प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं है। अब जवान हो, जवान चलते जा रहे हो, टाइम आपको पता ही नहीं लगेगा। बुढ़ापा एक्चुअली भगवान का साइन है कि देखो अब टाइम आ गया प्रिपरेशन का। तो पता तो लग रहा है हमें कि मरने का टाइम आ गया है, तो हम जाके प्रिपेयर कर लें, छोड़ दें घर अपना, बैठ के धाम में बैठ के भजन करें, कुछ करें। घर में पड़े रहेंगे तो पोते पोतियों में फंसे रहोगे, और कुछ नहीं होने वाला, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। अब वो करना ही पड़ेगा, बहू कहेगी इसको घुमाने ले जाना, आप घुमाने ले जा रहे हो, जरा दूध ले आना, दूध लेना, यही होता है ना, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही चलता रहेगा, यही, दैट्स ऑल। सो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। इसलिए बुढ़ापा अच्छा है आना। ऐसे परीक्षित महाराज हैं, परीक्षित महाराज को पता लग गया, श्राप हुआ, शिंगी ने श्राप दिया, शिंगी क्या था, ऋषि श्रृंग था ना, क्या था, श्रृंगी था, क्या नाम था उसका, श्रृंगी था आई थिंक, तो उसने श्राप दिया। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि बहुत अच्छा है, परीक्षित महाराज भागवतम में श्लोक आता है, परीक्षित ने कहा कि भगवान आप इस श्राप के रूप में मेरे जीवन में आए। उन्होंने नहीं कहा, उसने श्राप दे दिया, उसका गला काट दो जाके जल्दी से, आप मेरे, आप श्राप के रूप में आए और अच्छा है, मुझे पता लग गया कि 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ। ऑर्डिनरी लोगों को तो ये भी नहीं पता वो कब मरेंगे, अगले सेकंड ही मर जाए, नहीं क्या पता है किसी को कुछ? हो सकता है आप में से कोई बाहर निकले रोड पे, टैं कुछ नहीं पता आपको, प्रभु जी आप क्या कह रहे हो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा किसी का हो जाए, बट किसी को कुछ नहीं पता। आप निकलो, एक गाड़ी है, फिनिश। मैं तो देख चुका हूँ ना डिवोटीज, पर्सनली देख चुका हूँ मैं पर्सनली, अब इसलिए मैं डिले नहीं करता कुछ। एक डिपोटी को मैंने कहा था कि तू तुलसी कंठी अगले दिन ले लियो, वो आ रहा था बस के नीचे आके मर गया, यहीं मेरे पास ही आ रहा था लेने के लिए। एक और डिपोटी को बोला था, हाँ तो कि आप जब कर रहे हो कर लो, तो कह रहे थे कल से करूँगा, मैंने कहा ठीक है, कल फ़ोन किया उड़ गया, यंग कुछ नहीं पता जीवन का, कौन कब कहाँ कैसे चला जाए। खैर वो आप अच्छे में पूछा बता सकते हैं कौन कब जाएगा एस्ट्रोलॉजी में, आप पता कर सकते हो बट पता करने का फायदा नहीं, क्योंकि अगर आपको पता लग गया अगले महीने जा रहे हो तो फिर तो, अगर आपको पता लग गया अगले साल मरने वाले हो तो पूरा साल ही आपको टेंशन में ख़त्म हो जाएगा, जो टाइम बचा है वो भी ख़त्म आपका। मगर डिवोटीज को फ़ायदा है थोड़ा, अगर आपको पता लग गया आप अगले महीने मरने वाले हो तो भैया पैक ऑफ करके वृंदावन जाके भजन करना शुरू कर दो। नॉन डिवोटीज तो डर के मारे पागल हो जाएंगे। आप लोग बताते हो वैसे एस्ट्रोलॉजर कब मरोगे आप? कोई पूछता नहीं ना? मगर बताते हो आप? बताते नहीं ना कि टेंशन में आ जाएंगे वो तो? आ ही जाएंगे अगर के कुछ हो गया तो। बट जो भी है, अगर पता भी लग गया तब भी नहीं डाल सकते, नहीं पता तब भी नहीं डाल सकते। डिवोटी को पता लग गया तो बहुत अच्छा है, परीक्षित महाराज को पता लग गया तो उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी, 7 दिन में हो गया, ओके लेट्स प्रिपेयर, छोड़ छाड़ के बैठ गए। सो मृत्यु को प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर आगमन की सूचना है बुढ़ापा, यह सब धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वह विदुर से इस आसन भयावह स्थिति से निपटने के लिए कोई उपचार ढूंढ निकालने के लिए कहें, जैसा कि वह इसके पूर्व कई बार कह चुके हैं। हो सकता है धृतराष्ट्र बोले भैया अब ठीक है तुम कोई सॉल्यूशन निकालो, मैं अभी भी राजा बना रहा हूँ, कुछ करो जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक बना रहा हूँ, फिर जब मर जाऊँगा तो दे देना, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना लो, कुछ कन्विंस करो। विदुर ने कहा बेवकूफ़ हो आप, क्या है
आप मरने वाले हो, आप जाके परफेक्शन प्राप्त करो, खत्म हो गया आप, क्या इसकी उल्टा फुलटा क्या सोच रहे हो। किंतु आज्ञा देने के पूर्व विदुर ने धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में इसका किसी के पास किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता। एक मजे की बात यह है कि विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि आप मरने वाले हो, मृत्यु को कोई नहीं डाल सकता, और अब आप जाके भक्ति करो, ठीक है। अबे अब मरने वाले मृत्यु को कोई टाल नहीं सकते तो सबको पता ही है, धृतराष्ट्र को नहीं पता है, सभी को पता है, आपको भी पता है। बट मजे की बात है, विदुर जी धृतराष्ट्र को याद दिला रहे हैं, क्योंकि हम ये चीज भूल जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज से यही पूछा था यक्ष ने, सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला था, क्या बोला था, हाँ, कि किसकी इस संसार में सब लोग मरते हैं मगर सब सोचते हैं मैं नहीं मरूंगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है, सभी मरेंगे मगर सब सोचते हैं मैं नहीं मरूंगा। दैट्स द होल पॉइंट। इस तरह जीवन जीते हैं हम, इस तरह जीवन जीते हैं हम कि हम कभी नहीं मरेंगे। जीवन ऐसे ही जीते हम, ऐसे ही है ना, बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या है प्लान्स, आपके सब प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। सो इसलिए प्लान बनाना चाहिए, मगर सही प्लान भगवान के पास जाने का। संसार में किसी तरह रोटी कपड़े मकान का जुगाड़ कर लो, पेट भर लो, कपड़े दो कपड़े खरीद लो, पहन लो, एक छत बना लो, काम खत्म, और भक्ति करो, वरना सारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। टाइम निकालने के तो हज़ार तरीके हैं, नहीं तो क्या कहते हैं, समय बिताने के लिए, सुने, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो जिंदगी लेके प्रभु का नाम। जिंदगी समय बिताने के लिए है, कुछ लोगों का आइडिया ये, कुछ लोग जिंदगी अंताक्षरी की तरह खेलते हैं, ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, बस समय बीतता जा रहा है, ठीक है। बुढ़ापे में तो भाई फिर समय बिताना ही है, किसी भी तरीके से कुछ भी करते रहो, बट दैट्स नॉट लाइफ, दैट्स यूजलेस लाइफ। और चूंकि इस भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, अतः मृत्यु भगवान से अभिन्न है, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में कहा है, मृत्यु सर्वश्चरश्च, कह रहे हैं ना, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। इस भौतिक जगत में मृत्यु को न तो किसी के द्वारा न ही किसी साधन से रोका जा सकता है, केवल भक्ति से या मृत्यु को रोक सकते, मृत्यु को भक्ति से भी नहीं रोक सकते आप, बाय द वे। भक्ति से हम दोबारा नहीं मरेंगे, इतना जरूर हो जाएगा, मगर भक्ति होगी तो मरोगे तो सही ना, ऐसा नहीं है कि इतने सारे संत मरे नहीं है, मगर उसमें भी एक बात है कि मरते हुए भी नहीं मरे, क्योंकि बाहर से लग रहा है मरे हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि भक्त मरते नहीं, ऐसा लगता है मर गए, मरते नहीं, भक्त सो जाते हैं। नॉन डिवोटी तो मरेगा नहीं, जब मरेगा उसको डर लगेगा, दर्द होगा, मगर जो डिवोटी हैं, जैसे सोते नहीं रोज रात को, तो सोने में डर लगता है आपको, किसी को लगता है, आराम से लेट जाते हैं, आंख बंद करते हो, नींद नींद आप लाते भी नहीं, नींद आती है अपने आप तो लेटते हो। ऐसे डिवोटी जब टाइम आएगा अपना, लेटेगा, हरे कृष्णा बोलेगा, आंख बंद करेगा, सो गया, आंख खोलेगा भगवान के पास। नॉन डिवोटी जब टाइम आएगा तो सांस रुकेगा उसका, दर्द होगा, डर लगेगा, सब कुछ छूट रहा है, यमदूत आएंगे, पकड़ेंगे, पीटेंगे, जो भी होगा, मतलब सब वेरी बैड डील। दो डिफरेंस है, बाहर से तो सेम ही लगता है बट डिफरेंस है, बट भक्ति करेंगे दोबारा मृत्यु नहीं होगी, भगवान के पास चले जाएंगे। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था, उसने उग्र तपस्या की थी जिससे सारा संसार थरथरा रहा था, और ब्रह्मा स्वयं उसे उसकी उग्र तपस्या से विरत कराने के लिए उसके पास गए। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से यह बार मांगा कि वह अमर हो जाए, किंतु ब्रह्मा ने कहा कि वह स्वयं सर्वोच्च लोक में रहकर भी मृत्यु के अधीन है, अतः वह उसे अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते। ब्रह्मा से लेकर इंद्र से लेकर इंद्र को इंद्र तक, इंद्र कीड़े तक नहीं, ब्रह्म सत्य में आता है, ब्रह्मा जी स्वयं मृत्यु उनकी भी होगी, अतः इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक में भी मृत्यु है, फिर अन्य लोकों के विषय में कहना ही क्या, जो गुंता में ब्रह्मा के आवास के ग्रह ब्रह्मलोक से कहीं निम्न कोटि के हैं, जहाँ कहीं भी सनातन काल का प्रभाव है, वहीं वहीं जन्म रोग बुढ़ापा तथा मृत्यु इन कष्टों को, फिर श्रृंखला का अस्तित्व है, और ये सारे अपराजे हैं।
दैट्स द होल आइडिया। भगवान ने मृत्यु बनाई इसलिए कि जिससे इंसान का अहंकार टूट जाए। कितने ही आप बड़े महान हो, कितने अहंकारी हो, मरना तो पड़ेगा। इसलिए विदुर जी भी कह रहे हैं अपने नीति, विदुर नीति में, कि जो लोग मृत्यु को भूल जाते हैं वो सबसे महान मूर्ख लोग हैं। मगर इस संसार के लोग क्या है, आप इस संसार के लोगों को बोलोगे ना कि मृत्यु मरना पड़ेगा, मृत्यु अटल है, इसलिए कोई सोल्यूशन कर लो, संसार के लोग उल्टा लेंगे, वो कहेंगे ये क्या है, तुम हमेशा नेगेटिव बात करते हो, हमें डिप्रेस कर रहे हो। ऐसे ही है ना, मृत्यु की थोड़ी ना बात करेंगे हम, जीने की बात करो। मृत्यु की कोई बात नहीं करता बाय द वे, ना लाइफ में ना एजुकेशन में, कि कहते हैं तो नेगेटिव है, तो डिप्रेशन है, गलत है, अपशगुन है, ऐसे ही कहते हैं ना अपशगुन है। बट एक्चुअली पूरे शास्त्रों में मृत्यु की बात है, यही चल रहा है टॉपिक। इनफैक्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला श्रील प्रभुपाद ने कहा टॉपिक जिंदगी, टॉपिक डिस्कस करने वाले नहीं, क्योंकि जिंदगी तो निकल जाती है, टॉपिक डिस्कस करने वाला है डेथ, क्योंकि डेथ के बारे में हमें कुछ नहीं पता। श्रील प्रभुपाद ने कहा हमें ये नहीं सीखना कि जीना कैसे, हमें क्या सीखना है, मरना कैसे है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा जीती जी तो जाओ, लोग ही लोग हैं, आप जीने में कोई कुत्ता भी जीता है, पक्षी भी जीता है, जीवन निकल ही जाता है, कुत्ते को बिना खाने बिना कमाए भी खाना मिल जाता है, इंसान कमा के भी खाने के लिए रोता रहता है। तो कौन बेटर है, कुत्ता है हम? कुत्ता बेटर है, फ्री का सोने को मिल रहा है उसको, फ्री की छत। जो बर्ड्स हैं, प्रभुपाद कहते हैं बर्ड्स के कितने मजे हैं, हर रोज नया घर, हर रोज नया पेड़, उड़ के और बिना वीजा के कनाडा अमेरिका चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे अर्थ को एक आ रहा है, सुनामी आ रही है, वो आराम से उड़ के देख रहे हैं नीचे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान ने पक्षियों को नेचुरल सिक्योरिटी दी है और एंटरटेनमेंट, नेचुरल एंटरटेनमेंट, ऊपर से हम हवाई जहाज में आते हैं, वो ऊपर से आराम से घूमते हैं, मतलब पक्षियां जितना एंजॉय करते हैं उतना तो हम कर ही नहीं पाएंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारे एनिमल लाइफ, जो जितने भी एनिमल्स हैं, वो हमसे ज्यादा बेटर है ह्यूमन से, मतलब जो नॉन डिवोटीज है, जो मनुष्य ही है जो इतना स्ट्रगल करता है खाने पीने रोटी कपड़े मकान के लिए, केवल मनुष्य है इतनी मेहनत रोटी कपड़े मकान के लिए। इंडिया में तो ज्यादा ही है, फॉरेनर से लो फिर भी इंजॉय करते हैं, इंडियंस तो पोता पोती पोते के पोती बस सोच साच के बस पिसते रहते हैं। कौन बेटर है? जिस चीज के लिए मेहनत नहीं करनी उस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, दैट्स द होल पॉइंट। आहार निद्रा इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये तो ऐसी फ्री मिल रहा है, मेहनत करनी है तो ये करो जन्म मृत्यु से निकलने के लिए, जो जानवर नहीं कर सकते। विदुर जी एग्जैक्टली धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, और वैसे भी धृतराष्ट्र को समझाने का टाइम भी सही है, टाइम पे समझ आती है ना चीजें, टाइम भी सही है। इतना महान दुख आ गया उनकी लाइफ में, सब लोग मर गए, दुख में वो कह देते हैं लोहा गर्म हो तो तभी हथौड़ा मारना चाहिए, नहीं सभी लोहा गर्म है। धृतराष्ट्र ने कई बार सुना होगा ये सब, कई बार विदुर जी ने बताया, दिमाग में घुसा ही नहीं। विदुर जी अब लास्ट बार बता रहे हैं लोहा गर्म है और धृतराष्ट्र को समझ आ गया, धृतराष्ट्र एग्जिट कर गए हस्तिनापुर से। दैट्स अ होल माइंड, सैव भगवान काला सर्वेशाम न समागत। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई है क्वेश्चन, कोई कमेंट है? क्लियर है सबको? क्या क्लियर है, क्या करना है आपको? क्या मृत्यु वो भोगी लोग उल्टा बोलते हैं कि मर चार्वक यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पिन पिम किम पुनरागतम गता। चार्वक ने कहा भी मरना ही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए इंजॉय करो मैक्सिमम। हम कह रहे हैं मरना है इसलिए एंजॉयमेंट रोको, मगर फर्क है। चार्वक कह रहे हैं मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है, हम केमिकल्स हैं, बॉडी है, खत्म हो जाएगा, इसलिए एंजॉय करो। हम कह रहे हैं मरने के बाद भी लाइफ है,
सो अगर आपने एंजॉय किया तो मरने के बाद क्या होगा वो आपको पता नहीं, फिर आपको सफ़र करना पड़ेगा, डिफरेंस ही है। सो इसलिए हमें पहले उनको जो ऐसा कह रहे हैं कि मरना है एंजॉय करो, उनको पहले बताना, उनको पहले ABCD पे लाना पड़ेगा, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो और कभी नहीं मरते, पुनर्जन्म होता है। ये दो चीज़ें उनको समझानी पड़ेगी, तुम आत्मा हो और पुनर्जन्म होगा मरने के बाद, तब जाके वो कन्विंस होंगे भैया एंजॉय मत करो, भक्ति कर लो, अदरवाइज नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे डील किया, इसलिए प्रभुपाद ने अमेरिका गए, शिला प्रभुपाद अमेरिका की यही फिलॉसफी, एंजॉय करो, नहीं अमेरिका मतलब अमेरिका यूरोप वेस्टर्न वर्ल्ड मेटलिस्टिक लोग हैं, तो इसलिए प्रभुपाद ने दो पॉइंट पर हिट किया, क्या किया, यू आर नॉट दिस बॉडी योर सोल, यही बताया ना, और दूसरा कि डेथ के बाद भी लाइफ है, री इंकारनेशन है। प्रभुपाद ने इन्हीं दो पॉइंट पे बात की, एंड देयर इज अ गॉड, इसके बाद भी आपकी लाइफ कंटिन्यू होगी। तो ये जब दिमाग में घुसेगा तब जाके उसको लगेगा ओ एक्चुअली फ्यूचर में मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो अभी से प्लानिंग कर लो, कुछ तो कर लो, तब जाके करोगे, अदरवाइज क्यों करेगा कोई, अदरवाइज थोड़े ना कोई करेगा प्लानिंग, अदरवाइज नहीं करता कोई। ओके जय श्री प्रभुपाद की जय।